नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। आज हमारे साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुछ युवा हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आने वाले चुनाव में युवाओं के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो राजनीतिक दलों के एजेंडे में शामिल होने चाहिए। आपको क्या लगता है ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे में शामिल होने चाहिए? जी सर, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से हूँ। सबसे पहला एजेंडा जो होना चाहिए वो रोजगार का होना चाहिए, पहली बात तो। और रोजगार मिलने में भी न्यायपूर्ण तरीके से रोजगार मिलना चाहिए। जिस तरह अभी योगी सरकार ने इस रोजगार में दिया है, यूपी पीसीएस 17 का रिजल्ट, 18, 19 का रिजल्ट, तीनों साल का रिजल्ट एक बराबर आया है और न्यायपूर्ण तरीके से आया है। और कोई भी उस भर्ती को उठा लिया जाए, अब जेई, नलकूप, विभाग, उच्च शिक्षा, पुलिस, कोई भर्ती ले लिया, सब में भर्तियाँ हुई हैं। तो आगे आने वाली सरकार में यही हमारी इच्छा रही कि जिस तरह रोजगार दिया जा रहा है उसी तरह रोजगार दिया जाता रहे। और खासकर जो हिंदुत्व का एक मुद्दा है वो तो हमारा परचम रहेगा ही, खैर, क्योंकि 2014 के बाद हमने ये जान पाया है कि हम भी सरकार बना सकते हैं। तो इसीलिए आगे आने वाले मुद्दे यही रहे केवल कि हाँ, साथ में रोजगार के साथ ये भी अहम मुद्दा रहेगा इलेक्शन के लिए। आपको क्या लगता है, क्या हिंदुत्व वाकई में एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा आने वाले चुनाव में युवाओं के लिहाज से? जी, मैं भी इनके बात से बहुत ज़्यादा सहमति जाहिर करता हूँ, क्योंकि एज ए युवा हम लोगों को अपने संस्कृति को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता रहती है या उससे बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस होता है। इस समय इतनी ऊर्जा रहती है कि लगता है कि जो हमारा पहचान है उससे हम कितने जुड़ पाए हैं और वो चीज़ कितनी दिख पा रही है। पहले हम लोग नहीं बता पाते थे कि हम लोग इस उत्तर प्रदेश से, हिंदुस्तान से, हमारा एक अपना कल्चर है, पुरानी एक सभ्यता है जो दिख सकती है, और वो अब दिखाई दे रही है। चाहे वो धार्मिक मान्यता हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे वो इस भौगोलिक मान्यता से जुड़ी हुई चीज़ें हों, तो सारी चीज़ें सुस्पष्ट दिखाई दे रही हैं और सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। चाहे वो हमारे राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, चाहे वो मथुरा में मांस को रोक दिया गया है जो हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, थोड़ा अजीब माना जाता है। तो हमारी संस्कृति का मुद्दा या हिंदुत्व का मुद्दा सच में वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है और ये भी एक वोट देने का हमारा मुद्दा है जिसको हम लोग देखकर, ध्यान में रखकर के वोट देंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, हिंदुत्व और रोजगार को अगर छोड़ा जाए तो इसके अलावा क्या युवाओं के मुद्दे हैं जो आने वाले समय में उठाए जाने चाहिए? आगे वाले समय पर्यावरण में प्रदूषण जो है वो चीज़ों में मिलावट की ये बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है हमें, कोई भी चीज़ प्योर नहीं मिल पा रही है। और उसका कृषि में, कृषि के लिए, कृषि में सर सुधार होने चाहिए सर। किसान बहुत परेशान है सर, इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छा, आपको क्या लगता है महंगाई कितना बड़ा मुद्दा होगी इस चुनाव में? सर, महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा होगी, क्योंकि जिस प्रकार हमारी महंगाई बढ़ रही है, जैसे हम लोग जब विश्वविद्यालय में आए थे तो हम लोग पेट्रोल का जो कीमत होती थी, हम एक बार भराते थे तो हम लोग दो टाइम का आना जाना हो जाता था, लेकिन इस बार जो पेट्रोल का रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम लोग एक टाइम भी नहीं जा पाते हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा होगी कि पेट्रोल महंगा हो गया है, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, हमारी इनफैक्ट फीस भी हमारी बढ़ी जा रही है। ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यही होगा कि इसको अच्छी तरीके से सरकार किसी कुछ काम करे। आपके लिहाज से कौन से मुद्दे होने चाहिए जो राजनीतिक दल अपने एजेंडे में शामिल करें? पहला मुद्दा तो रोजगार का होना चाहिए और शिक्षा व्यवस्था में इतना बढ़ावा, मतलब इतना ज़्यादा पैसा बढ़ गया है, जो डिग्रियाँ हैं उसका पैसा ज़्यादा। इन युवाओं की माने तो रोजगार, महंगी शिक्षा, ये सब मुद्दे हैं जो आने वाले चुनाव में उठाए जाने चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है किस तरह के मुद्दे एजेंडे में शामिल हों? भैया, अगर एज ए यूथ बात करें तो सबसे पहले तो यूथ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है शिक्षा। तो शिक्षा अगर बेहतर होगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर सरकार ध्यान देगी, और शिक्षा को आप किस तरीके से हर तबके के लिए अवेलेबल करा सकते हैं, अगर एक भी बच्चा अगर सरकारी स्कीमों की वजह से, उन तक योजनाएं न पहुंचने की वजह से अगर वो अनपढ़ रह जाता है तो ये पूरे देश की, पूरे तंत्र की असफलता है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर युवाओं के लिए है तो शिक्षा, फिर शिक्षा में सरकार क्या फैसिलिटीज़ दे सकती है, स्कॉलरशिप भी एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ बच्चे आप कभी भी दिन में आइए, यहाँ परेशान घूमते रहते हैं, स्कॉलरशिप नहीं है, एक ही डॉक्यूमेंट 8-8 बार ले जाके दे रहे हैं फिर भी फंस जा रहा है, उनको समाज कल्याण दौड़ाया जा रहा है, समाज कल्याण जाने के लिए भी 30-40 रुपये किराया लग रहा है, तो आप उनको 10 बार दौड़ा दीजिए तो उसी में परेशान हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं, महंगाई उसी में एक समस्या हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए कम से कम लखनऊ शहर में, लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों को उनकी आईडी पर कम से कम शहर के अंदर चलने के लिए फ्री कर देना चाहिए। बस आप जो वोट डालेंगे, आप किन मुद्दों को आधार बना के वोट डालेंगे? मैं भैया इन्हीं मुद्दों को, और दूसरा ये कि मेरा प्रत्याशी भी पढ़ा लिखा हो, मेरी सरकार भी पढ़ी लिखी हो। वो पढ़ी लिखी होगी तो पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचेगी, और अगर वो दंगे करने वाले लोग होंगे, उनका बैकलॉग खराब होगा, तो वो फिर आगे आके उन्हीं उसी मानसिकता को आगे बढ़ाएंगे। शिक्षा रोजगार मुद्दा है, लेकिन प्रत्याशी भी ऐसा हो जो कि शिक्षित हो, जो युवाओं की बात को समझ सके। मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपके लिहाज से क्या मुद्दा हो सकता है? देखिए, बाकी सब चीज़ें तो सही हैं, ठीक है, लेकिन बस मेरा कहना मानना ये है कि सब समाज के हर एक तबके को ध्यान में रखते हुए एक, मतलब नीचे स्तर से शुरुआत करके आगे की जो है रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। तो ये थे लखनऊ यूनिवर्सिटी के युवा जिनका ये कहना है रोजगार, अच्छी शिक्षा मुद्दा है,
लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जो प्रत्याशी हमारे सामने खड़ा हो उसका भी वो शिक्षित हो और वो समाज को नई दिशा दे सके। वीडियो जर्नलिस्ट धीरज कुमार के साथ आशीष त्रिपाठी, ईटीवी भारत, लखनऊ।